हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी की टीम के बारे में। एबी डिविलियर्स की तरफ से कहीं से पे स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। आरसीबी के अपडेट के बारे में बात करेंगे, विराट कोहली के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोलकाता के वेदर के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरे एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं की तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप सभी को लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी की तरफ से। तो गाइस पे आरसीबी की टीम फाइनली गाइस यहां पे कोलकाता लैंड कर चुकी है कल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कल कि आज आरसीबी की टीम निकल जाएगी, और कल ही गाइस यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहां पे कल ही यहां पे कोलकाता पहुंच चुकी थी आरसीबी की पूरी टीम। और साथ में गाइस पे विराट कोहली ने गाइस पे अपनी स्टोरी में अपलोड किया टचडाउन कोलकाता। तो गाइस पे फाइनली पूरी तरह से कोलकाता पहुंच चुके हैं आरसीबी के सभी हीरोज। गाइस बात करते हैं आरसीबी के प्रैक्टिस के बारे में। आरसीबी की प्रैक्टिस गाइस पे जो कि आज से पूरी तरह से शुरू होने वाली है। जी हाँ गाइस पे कल ही आरसीबी की ऑफिसियल ने कंफर्म कर दिया था कल हम लोग कोलकाता लैंड करेंगे, एंड उसके बाद कल यहाँ पे पूरी दिन यहाँ पे प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा। उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे आरसीबी के सभी खिलाड़ी जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसके ऊपर जैसे अपडेट आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो जल्दी से जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल अगर हम लोग बात करें एबी डिविलियर्स के बारे में, तो एबी डिविलियर्स आईपीएल से पूरी तरह से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। लास्ट ईयर कैसे उन्होंने बता दिया था कि मैं अब आईपीएल नहीं खेलूंगा। तो कैसे अब चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है कि एबी डिविलियर्स एज अ प्लेयर आप सभी को नजर आए। एज अ प्लेयर आना बहुत ही चांसेस जो कि बहुत ज्यादा कम है। एज अ मेंटर आप सभी को शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं आरसीबी की टीम में एबी डिविलियर्स, लेकिन एज अ प्लेयर बहुत ही ज्यादा मुश्किल अभी लग रहा है। बट इसके ऊपर कोई भी आगे अपडेट आती है तो मैं आप सभी को आगे अपडेट कर दूंगा। अब कैसे हम बात करते हैं कोलकाता के वेदर के बारे में। तो कैसे पे आज की वेदर की अगर हम लोग बात करें तो कैसे पे आज यहाँ पे शाम 7 बजे से कैसे पे बारिश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और कल भी कैसे यहाँ पे बारिश हुआ था, लेकिन कैसे आज की बात करें आज सुबह से बारिश यहाँ पे हुई नहीं है। और गाइस यहाँ पे आज शाम से बारिश होने की बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। और शाम के अगर वेदर की बात करें तो गाइस यहाँ पे शाम 7 बजे से बारिश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बताए जा रहे हैं। और अगर हम लोग कल की बात करें तो गाइस यहाँ पे कल भी गाइस बारिश होने के चांसेस है, लेकिन गाइस अच्छी बात यह है कि कल यहाँ पे शाम को बारिश नहीं होगी, कल दोपहर को सुबह को बारिश होने के चांसेस है, लेकिन गाइस यहाँ पे शाम को बारिश होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आज बारिश हो चलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे कल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग प्लेऑफ ऐसे भी देखना चाहते हैं, सुबह जितना बारिश होना है हो लो, लेकिन यार शाम को बारिश नहीं होना चाहिए। प्लेऑफ भी देखना है, एलिमिनेटर भी देखना है, और कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी, कौन सी पहली टीम होने वाली आईपीएल 2022 में, उसको भी हमें देखना है। एंड बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज यार बारिश मत होना। कल फाइनली हम सभी को आरसीबी का एलिमिनेटर देखने को मिलेगा, तो कितना ज्यादा एक्साइटेड है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइए। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।